हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूँ आप लोग का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट के अंदर से हम लोग को कौन कौन से रिवॉर्ड देखने मिल सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, यार हमारा क्रिमिनल इंक्यूबेटर हम लोग को कब रिटर्न देखने मिल जाएगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। कुछ और ओपी वाले इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, रिडीम कोड के बारे में बताने वाला हूँ, हमारा गेम क्यों नहीं ओपन हो रहा है उसके बारे में बताना वाला हूं, और भी काफी डेट सारी चीजें जो कि यार इसी एक वीडियो के अंदर कवर किया हूं। तो वीडियो दोस्तों यार आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पूरे लास्ट तक जो देखिएगा। एंड हां, वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इतना प्यारा सा काम कर दिया, चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं काफी डेट सारे वाले ओपी वाले इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों यार पहले नंबर पर जो कंफर्म न्यूज यहां पर निकल के आई हुई है वो यहां पे हमारा बांग्लादेश सर्वर के लिए निकल के आई हुई है। जी हां दोस्तों, आने वाली 5 मई की तारीख को आप लोगों हमारे गेम के अंदर ईवो एक्समेट जो है रिटर्न बैक देखने को मिल जाएगा हमारे बांग्लादेश सर्वर के लिए। 100% कंफर्म हो चुका है ये इवेंट। अब बात करें इंडिया एंड नेपाल की, तो उसकी डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हम मान के चलो कि अपकमिंग कुछ डेज में ये गन जो है रिटर्न बैक देखने को मिल जाएगी हमारे इंडिया एंड नेपाल सर्वर के अंदर। लेकिन बांग्लादेश सर्वर के अंदर दोस्तों यार आप लोग को ये जो गन है 5 मई से लेकर 11 मई तक कुछ ही दिन के लिए, यानी दोस्तों यार एक वीक के लिए फेडरल व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यार आप में से कितने ऐसे भाई लोग हैं जिसके पास यार पहले से ही ईवो एक्समेट अवेलेबल है, कमेंट करके जोर से जरूर बताइए। इसके बाद दोस्तों यार यहां पर सबसे बड़ी परेशानी एंड सबसे बड़े क्वेश्चन, यानी दोस्तों हमारा जो यहां पर गेम है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में चलिए यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को यहां पर कुछ पॉइंट्स वगैरह भी बताने वाला, कुछ ट्रिक वगैरह भी बताने वाला जिसको यूज करके आप लोग गेम वगैरह भी ओपन कर सकते हो। तो जियो वाली सिम यूज करने वाले यूजर्स के लिए इस टाइम तो सबसे बड़ी परेशानी यही हो चुकी है कि उनका गेम ही ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यार जो मैं आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूँ उसके अंदर करना क्या है कि आप लोग जो अपना गेम है वो किसी न किसी से वाईफाई लेके आप एक बार ओपन करके ट्राई करो, मे भी हो सकता है ओपन हो जाए। अगर वाईफाई से काम नहीं चल रहा है तो भाई कोई दूसरी सिम लगा के देख लो, जियो को छोड़कर एयरटेल वोडा कोई सिम चला के देख लो, अगर उससे भी ओपन नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि अपने फोन की सेटिंग में जाना है। डीएनएस वाली सेटिंग में जाने के बाद जो वहां पर डीएनएस प्राइवेट है उसको प्राइवेट से हटाकर आप लोग को यहां पर चेंज कर देना है, एंड देन उसके बाद ट्राई करना है, मे भी हो सकता है आपका गेम ओपन हो जाए। अगर ये भी ट्रिक आपके फोन में यूज नहीं करती है, डीएनएस वगैरह आप लोग को नहीं मिल रहा है भैया आपके फोन में डीएनएस नहीं है, तो उसके बाद भी यार एक ट्रिक निकल के आई हुई जो कि यार बता देता हूँ आप लोग को, कुछ करना नहीं है दोस्तों। सिंपली यार प्ले स्टोर पर जाना है, टर्बो वीपीएन करके एक वीपीएन आता है, वो उस वीपीएन को डाउनलोड कर लेना है, एंड सिंपली यार उस वीपीएन को यूज करके आप लोग अपने गेम को ओपन कर लेते कर सकते हो। एंड जब गेम ओपन हो जाए तो आप लोग को सिंपली वो जो वीपीएन है बंद कर देना है, ठीक है। तो ये 4 से 5 ट्रिक है जिसको यूज करके आप लोग गेम ओपन कर सकते हो, एंड 100% कन्फर्म इसमें से कोई ना कोई एक ट्रिक आप लोग के फोन में जरूर से ही वर्क कर जाएगी, एंड आप लोग का जो गेम वगैरह है ईजी से ईजी वे में ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यार यहाँ पे हम चलिए बात कर लेते हैं अपने बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक, यानी दोस्तों अपनी मिस्ट्री शॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिस्ट्री शॉप जो कि यार 100% कन्फर्म हो चुकी है हमारे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल हर एक सर्वर के लिए, एंड 3 मई, जी हाँ दोस्तों 3 मई यानी 2 से 3 दिन के बाद आप लोग हमारे गेम के अंदर हमारी जो मिस्ट्री शॉप है देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोग को यहाँ पर एक दूसरी मिस्ट्री शॉप दिखा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि यार इसके अंदर जो आइटम्स वगैरह हैं वो हमारे हर एक सर्वर के अंदर अवेलेबल कराए जाएंगे, लेकिन दोस्तों यार जो बंडल रहेंगे वो बंडल यहाँ पर चेंज रहने वाले, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही स्टार्टिंग में क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हमारे मिस्ट्री शॉप के अंदर बंडल आएंगे वो दूसरे रहेंगे, जो कि यार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन से रहेंगे। वो रहेंगे दोस्तों यार हमारे गेम के अंदर चले रमजान इवेंट के बंडल। जी हाँ दोस्तों, उसके मेल और फीमेल वाले जो बंडल है वो यहाँ पर अभी बचे हुए, तो जो हमारे रमजान इवेंट के मेल और फीमेल के बंडल है वो आप लोगों को हमारी मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड 3 मई के दिन आप लोगों को जो मिस्ट्री शॉप है हमारी गेम के अंदर अवेलेबल करा जाए, ठीक है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है कि भैया इलाइट पास जो है हमारी मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यार सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड जो सबसे ज्यादा वेट करते हैं मिस्ट्री शॉप के अंदर चीज आने का वो रहता है इलाइट पास। दोस्तों यार मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इलाइट पास जो है भैया हम लोग को नहीं अवेलेबल कराया जाएगा हमारे मिस्ट्री शॉप के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो खुद ही समझ सकते हो कि गरेना फ्री फायर यार अपना यहाँ पर नुकसान नहीं कराएगी मंथ के स्टार्टिंग में ही इलाइट पास डिस्काउंट में देके, क्योंकि भैया कोई भी डिस्काउंट इवेंट अगर आता है तो मंथ के लास्ट में अगर आता है तो उसके अंदर इलाइट पास जरूर से देखने को मिलता है, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में अगर कोई डिस्काउंट इवेंट आता है तो उसके अंदर हम लोग को इलाइट पास नहीं अवेलेबल कराया जाता है। एंड ये वाला जो डिस्काउंट इवेंट है 3 मई को आएगी मिस्ट्री शॉप, तो भैया उसके अंदर आप लोग को हमारे मई मंथ का इलाइट पास जो है मान के चलो ना ही देखने मिलेगा। अब इसके बाद अगर गरेना फ्री फायर यहाँ पर मेहरबान हो जाता है दे देता है तब तो भाई कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मिस्ट्री शॉप के अंदर ये लाइट पास हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यार यहाँ पर हम एक चीज और बात कर लेते हैं एक चीज के बारे में जो कि यार बहुत ज्यादा रेयर एंड बहुत ज्यादा ओपी एंड डिमांडिंग है, जो कि दोस्तों यार हाँ आप लोगों को मैं बता देता हूँ हमारे गेम के अंदर जो हमारा कोबरा बंडल आया था उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोबरा बंडल भैया जो कि यार बहुत ज्यादा रेयर एंड बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इसकी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई चांस काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज निकल के आ रही है कि आप लोग ये रिटर्न
रिटर्न बैक देखने को मिल जाए हमारे मई मंथ के अंदर, क्योंकि दोस्तों यार रिसेंटली यहाँ पर मैंने चेकआउट भी किया काफ़ी ढेर सारे स्टोर्स के अंदर, दोस्तों जो हमारा ये कोबरा वाला बंडल है ये हम लोग को रिटर्न बैक देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, एंड मे भी दोस्तों यार हमारा जो इंडिथो है इसके अंदर भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर बोलेंगे भाई कुछ लोग कि यार कोबरा बंडल यहाँ पर रिटर्न बैक आने का कोई चांस नहीं, देखो दोस्तों यार मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा लोकेश गेमर वाला बंडल था उसके भी यहाँ पर कोई भी लीक एंड कोई भी चांस नहीं था रिटर्न बैक आने का, लेकिन भैया यहाँ पर गन्ना फीफा जो है मेहरबान हो गया एंड जो लोकेश गेमर वाला बंडल था वो हम लोग यहाँ पर रिटर्न बैक दे दिया। तो भैया जब इतना ज़्यादा पुराना एंड रेयर बंडल आ सकते तो भैया कोबरा वाला जो बंडल है उस बंडल के सामने कुछ भी नहीं था यार, तो ये बंडल भी हम लोग को जरूर से देखने मिलेगा। एंड एक भाई का यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या इसके इमोट वगैरह भी रिटर्न बैक आएंगे, तो जी हाँ दोस्तों आप लोग इमोट वगैरह भी है जो जरूर से ही देखने मिल जाएगा, जो कि यार इस बंडल के इमोट थे वो देखने मिलेंगे। एंड टॉप इवेंट वाले जो इमोट रहेंगे वो भी दोस्तों हो सकता है कि हमारा जो इमोट पार्टी इवेंट रहता है उसके अंदर हम लोग को एक साथ अवेलेबल करा दिया जाए, एंड कोबरा बंडल भी उसी टाइम हम लोग को एक साथ अवेलेबल करा दिया जाए। तो अगर यहाँ पर कुछ भी न्यूज मेरे को मिलती है और आगे अपकमिंग डेज में तो भी मैं शेयर कर दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर रखो। इसके बाद दोस्तों यार चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक, यानी दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट, तो सबसे पहले चीज दोस्तों यार मैं आप लोग को यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारी फोर्थ एनिवर्सरी आई थी वो भैया आई थी अगस्त मंथ के अंदर, लेकिन दोस्तों यार इस बार जो हमारी फिफ्थ एनिवर्सरी है वो दोस्तों देखने को मिलेगी हमारे जून मंथ के अंदर, क्योंकि यार जब जो यहाँ पर हमारी एनिवर्सरी रहती है वो एक साल पर यहाँ पर मनाई जाती है, लेकिन दोस्तों यार यहाँ पर जब से हमारा गरेना फ्री फायर गेम के प्ले स्टोर के ऊपर से हटा है तब से भैया यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिच चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही, जिसके चलते यहाँ पर जो एनिवर्सरी की डेट है उसको भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी बढ़ा दी गई। जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि यार हर बार जो एनिवर्सरी आती है वो आती है अगस्त मंथ के अंदर, लेकिन इस बार जो आएगी दोस्तों 28 जून के दिन आएगी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर एक फोटो निकल के आई हो जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, 28 जून को बताया जा रहा है कि हमारा जो फिफ्थ एनिवर्सरी रहेगा उसका जो पीक डे रहने वाला है। एंड हाँ दोस्तों यार आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो हमारा इवेंट रहेगा आप लोग मान के चलो 8 या फिर 10 जून से हमारे गेम के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। एंड सबसे मेन थिंग यहाँ पर दोस्तों जो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमारा फोर्थ एनिवर्सरी इवेंट आया था तो उस दौरान दोस्तों यार हमारा जो ग्रीन क्रिमिनल बंडल था वो हम लोग को रिटर्न बैक देखने को मिला था। मे भी हो सकता है दोस्तों इस बार जो हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी आए उसके दौरान दोस्तों यार हम लोग को जो हमारा यहाँ पर क्रिमिनल इंक्यूबेटर है वो रिटर्न बैक देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों यार मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट को और भी काफी ढेर सारे छोटे मोटे रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि हमारे एनिवर्सरी इवेंट के अंदर से हम लोग को अवेलेबल कराए जाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन चीज़ है यानी दोस्तों जो हमारा क्रिमिनल बंडल है वो भी यार हम लोग को यहाँ पर रिटर्न बैक देखने मिल जाएगा पूरा का पूरा। हो सकता है मे भी दोस्तों यार क्रिमिनल जो इंक्यूबेटर है वो भी हम लोग को रिटर्न बैक देखने को मिल जाए, क्योंकि यार सरप्राइज करके यहाँ पर पिछली बार ग्रीन क्रिमिनल बंडल जो है रिटर्न बैक आया था हमारे फोर्थ एनिवर्सरी के दौरान, तो मे भी दोस्तों यार सेम वही चीज़ें जो है इस बार फिर से रिपीट हो सकती हैं एंड क्रिमिनल वाला जो इंक्यूबेटर है वो पूरा पूरा इंक्यूबेटर जो है हम लोग को रिटर्न बैक देखने को मिल जाए। दोस्तों यार अगर मुझे यहाँ पर अपकमिंग डेज में कुछ और भी कन्फर्म न्यूज या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी फिफ्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है मेरे दोस्तों, शेयर करना है एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों भाई मिलते हैं एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।